बुलढाणा जिले के चिखली शहर में दुकान में डाका डालकर दुकानदार की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में डाका डालकर डकैत नकदी उड़ा ले गए। इस घटना के बाद से परिसर में दहशत छाई है। बुलढाणा जिले के चिखली शहर में मंगलवार रात 10 बजे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हथियार के साथ डाका डाला गया। दुकान में घुसकर तीन अज्ञात डकैतों ने तलवार से दुकानदार का गला काट दिया और दुकान में रखी कैश लेकर भाग निकले। डकैती की घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस घटना के बाद चिखली शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। चिखली बस स्टैंड के सामने मुख्य मार्ग पर आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स ये बड़ी दुकान है। 55 वर्षीय दुकानदार कमलेश पोपट दिन भर का हिसाब किताब कर रहे थे। इसी बीच तीन नकाबपोश आए और दुकान में प्रवेश कर एक ने शटर अंदर से बंद कर दिया। इस दौरान दुकानदार पोपट ने विरोध किया तो एक ने पोपट पर तलवार से वार कर दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और कैश लेकर तीनों भाग गए। इस मामले की जाँच पुलिस कर रही है। काल जी चिखली शहरामध्ये रात्री जी घटना घडली त्या घटनेच्या अनुषंगाने माननीय SP सर, माननीय अडिशनल सर यांनी स्वतः व्हिजिट केले, त्याचप्रमाणे सूचना दिलेल्या आहेत आम्हा सर्वांना। त्याच्या अनुषंगाने जवळजवळ एक 5 टीम्स आम्ही तयार केलेल्या असून, सायबरच्या काही टीम आहेत, LCBच्या काही टीम आहेत, पोलिटिशनच्या काही टीम आहेत आणि इतर पोलिटिशनच्या, अशा एक 4 ते 5 टीम आम्ही वेगवेगळ्या दिशेला पाठवलेल्या असून लवकरात लवकर आपण आरोपीचा शोध घेत आहोत। त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना पोलीस प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात येते की सगळ्यांनी शांतता राखायची आहे आणि आम्ही आमच्या पद्धतीनं 100% प्रयत्न करून आरोपींना तात्काळ अटक करत आहोत।